GM के लाइन एक के लाइन सिंगल टू है, तो दो तीन ग्रैंड मास्टर में जेनोलॉजी खत्म हो जाए। राइट टेस्ट इज 3000। क्या बात कर रहे हो, एक टाइम था मेरे इसमें ग्लिमर फुल था, ब्राइटनेस भी 20000 था, और आज ये टाइम में जिंदगी वैसा घूमना पड़ता। अब ये भी तो देखो क्लैन क्या देखो, क्लैन क्लैन में है ना, पहले कोई बताने वाला नहीं होता था एक दूसरे को, अब तक बताने वाले कि स्टोर में क्या आ रहा है नहीं आ रहा। वैसे स्टोर में आया क्या है ये देखा नहीं मैंने। इन्फॉर्मेशन जो था ना, मैंने जैसे ही डेस्टिनी खेला था, मैं जब खेलना चालू किया मेरा फ्रेंड क्या करता था, वो ईडी जड़ में लेके मटकाता था 5-6 दिन वही सेम मैं कंटाल गया। तो मैंने सब बंद करके सारा स्टोरी में सब कुछ पढ़ लिया, तब मुझे समझ में आ गया कि गेम प्ले क्या है, करना क्या है। बस मैं रेड भी अंडरस्टैंड तब किया था जब उसके अंदर गया था, तो रिक्वायरमेंट लेकर 6 जन का मेरे को पता सब कुछ था, बट बाद में इतना पता था कि रेड तो मैं खेलूंगा ही नहीं। और हाँ, बंजी का जो था ना साइट, वो मैं मोबाइल से देखता था, बट मोबाइल से फिर तू यूज करता है ना, वो क्लैन में ऐड ही नहीं होता था जल्दी। जब भी ज्वाइन करने जाओ टीम फुल, ज्वाइन करने जाओ टीम फुल, तो मुझे लगा इतने सारे डर क्या, या फिर लेट पिच वही होता है। बस यही चीज है इसमें तो, इंडियंस में हम इतना वर्ड का यूज नहीं करते और फिर केओस और कंफ्यूजन ही रहता है। अब हमारे साथ कितने टाइम से हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे मन की बातें पढ़ो। मन की बात क्यों पढ़े, भगवान ने मुंह क्यों दिया है मैं ना। शादी नहीं हुआ है ना इसलिए तू इतना बट रहा है। शादी कहाँ से आ गई? हाँ, ये शादी कहाँ से आ गई? अरे ये मन की बात बोलता है ना, ये मैरिज में सब तीन लोग का डायलॉग ही रहता है, यू डोंट अंडरस्टैंड हमारा मन था मेरे लिए। तो ये फीमेल लोग का कैरेक्टर स्पीक बोलता है विदर रॉड चाहिए था ना उसको, जरा कितनी विदर रॉड चाहिए हैंड कैनन कैरी किया है क्या किसने? और मैंने किया है कैरी, सक्षम नहीं किया है। नहीं करना है, एक बस हो गया, दो ही थे आते हैं उसके लिए, अनस्टॉपेबल कैरी करना है। वेदर और स्काउट राइफल रॉकेट लॉन्चर नाइस। ये 180 आरपीएम ज्यादा चलता नहीं टीवी पे, सब तो लग लोग गला काट के चले जाते हैं, गोली भी नहीं। 140 आरपीएम है फॉर्म में। मारे भी नहीं ऊपर वाले वैक्स को क्यों मारने हैं इसको, थोड़े जन को जिंदा रख देते हैं क्योंकि रीमेक कमान करेगा। मुझे पता ही था कि बॉम्ब फोड़ बॉम्ब फोड़ेगा, आप नहीं फोड़ा। मेरे को ये शेक जो हो रहा है ना इसकी वजह से, हाँ लाइक बहुत बेकार है मेरे स्क्रीन पूरा। लैग होना चालू हो जाता है शेक से, और कुछ समझ में नहीं आता।
ऊपर जो मार रहा है अभी हाँ अनस्टॉपेबल को छोड़ के फिर कैरवाई थी पीवीटी में क्या वेपन यूज कर रहा है आंसर क्या था रॉकेट यूज हो गया शिट हो गया तो उनके मॉड से अपने हो जाते हैं ये देखिए गिर गया पता नहीं कैसे गिर गया भाई आज नसीब नसीब ये इन दोनों के ऊपर कॉन्करर का टैग है क्या इन दोनों मैं थोड़ी गिरा हूँ मुझे क्या बोलता है अटैक से अंडर एस्टिमेट कॉन्करर का टैग होने से क्या मतलब है गिरने का भाई डिफॉल्ट कंसीडर कर तो मैं अरे रे रे बुरा मान गया रे बुरा मान गया ये बहुत बुरा मान गया रे प्रोटो रोगो इसे यहाँ ये वो चैंपियंस लोगों का तो थंब रूल है अरे राइट में क्यों जाता है इसने बोला पहले चिल्लन लोग को फिर उसको डिस्टर्ब करो स्टन करो प्लीज स्टन करो आएगा तो अरे सिर पर मेरा क्या टेंशन ले रहे हो क्या ही करेगा हम उनको हाँ वो सक्षम ही कर रहा है इसलिए कुछ बोला अरे चुप रहने से वीडियो चलती ही तो एकदम साइलेंट एक तो है ना ये जगह बड़ी बेकार है कैसे हिल रहा है ये लड़कियों की तरह होली क्रैप क्या मारा यार उसने क्या ही मारा है और उसी ने मारा गोकू गोकू लेफ्ट वाले पे फोकस करना है लेफ्ट वाला तुम राइट वाले पे फोकस कर रहे हो और हमारा पूरा बुलेट हम लेफ्ट वाले पे कर रहे हैं अरे मैं राइट इट्स नॉट मैं इट्स वी हैव टू डू इट लेफ्ट वाले को कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट वाले को करो हां देखो मर गया दैट ओ शिट लेफ्ट में आ रहे हैं क्लियर है एड्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया इतना साइलेंस कि भाई है क्या हो गया एकदम से चुपचाप हो गए जब आपको लगा डिस्कनेक्ट हो गए हाँ आओ वॉइड वाले अंकल आओ
जय माता दी, जय माता दी। बढ़िया यहाँ पे ट्रेन की आवाज बहुत आती है। हाँ तो हम कैसे करेंगे क्लेंस, मतलब पहले एंटी बैरियर मारेंगे फिर प्लेट करेंगे ना, फिर ओवर अनस्टॉपेबल मारेंगे, फिर सारे चैंपियंस को एक एंटी बैरियर रखना, वो कलेक्ट करते हैं जीत, फिर एंटी बैरियर को मार, देन सबसे पहले एंटी बैरियर ए, देन बी पे जाएंगे जिसके पास अनस्टॉपेबल का स्टाइलिंग है वो बी पे जाएगा, और दूसरा सी पे जाके हेड्स क्लियर करेगा और जैसे बी खत्म जंप करेगा, समझा? नहीं कुछ समझ में आया? पहले सक्षम सब देख, ए प्लेट से पहले जो एंटी बैरियर है सक्षम को तो पता है, उसको तो कराया था पता है, पहले एंटी बैरियर लोग वही कर रहे थे, और ए पे जाना और फिर दो जन है ना बी पे जाएंगे, हाँ। और सी पे बंदा ऐड क्लियर कर देगा, जैसे बी कंप्लीट होगा तब पहले ऐड हो जाएगा और सी पे, बट सी पे सोलो कोई मत जाना, ठीक है सोलो मत जाना, नहीं सी पे सोलो जाने के नहीं, वो एक मिनट और बहुत रिस्की है, मैं सोलो ही किया अभी सी, आप तो बेटर पड़ता है ना, देख लेंगे सही है, पहले एंटी बैरियर मारेंगे फिर प्लेट क्लेंस, एफिशिएंट हो जाता है, चेयर्स हो जाएगा पूरा, ठीक है ज़्यादा फायर करना पड़ रहा है मुझे, तो याद आ रहा है ट्रस्टी का दवा कर और खत्म, पीवीपी के लिए अच्छा है ये एक्सरसाइज, कैसे उसमें तो फास्ट क्लिक ही चाहिए ना, जितना फास्ट हिट करेंगे उतना फास्ट तो मारेगा, तो ये जो गन है इसके अच्छे रोल मिलेंगे हमें, किसका रॉयल किसका, हाँ मिलेगा ना, और रेडवान अच्छा पर रेडवान खेलना पड़ेगा, मेरे को तो अच्छा लगा ये उसकी बात ही कर रहा हूँ, बहुत सेफ की और अच्छे पर बहुत सेफ भी मिलेगा ना, और लास्ट विच का पर खेलना पड़ेगा, फास्ट हो जाता है वो एक उसमें फर्क है, पहला ओवरलोड को मार देंगे, देन अनस्टॉपेबल आने दो, और है का एंटी बैरियर वो उधर लड़ रहे हैं ना, उधर लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो, अरे बैरियर को मत मार, वो एक बैरियर को ऐसे रख, मत मार मत मार, ठीक है रहने दो, अरे वो बैरियर ऐसे रख उसको मत मार, कौन सा बैरियर, कौन सा बैरियर अभी जो सामने है ना जिसको स्टन किया उसको मत मार, कह रहे भाई जी उसको नहीं मारना, उसको रहने दे भाई जी, इनको मार, ये स्प्रे जो छोड़ रहे हैं इनको, स्नाइपर मैं मार रहा हूँ एक बारी,
ओवरलोड को ठंडा करते हैं और ठंडा हाँ स्टन कर दिया मैंने यार ये ना एक क्रीड वाला चैंपियन देख रहा हूँ अरे मैं स्लो हो गया शिट दिख नहीं रहा अभी क्या ओवरलोड मार गया क्या ओवरलोड मार दिया बढ़िया हाँ अभी सब एमओ जितना भी है ना कलेक्ट कर लूँ अरे एमओ तो इसी के सामने है मेरा भी मैं तो इनविजिबल होके ले आता हूं एक सेकंड रुक एमओ जो के कलेक्ट मेरे पास तो कुछ ड्रॉप हो गया एमओ मैं एमओ फुल एक सेकंड रुक अच्छा तो एमओ ठीक है इस इधर एक इधर आ छोड़ देना जब वो इधर इधर किधर नहीं अभी नहीं क्या जैसे ही एंटी वेयर मरेगा ना तो इधर एक विदर आउट छोड़ वो दरवाजे के इधर है ठीक है डन एक जन इधर खड़े रहे कैरवाइट इधर खड़े चलो इसे मैं इधर से मारूंगा पहले इधर क्लियर करूंगा इधर से इनको क्लियर मैं उधर आ जाऊंगा मैं उधर आ फिर उधर जहां गोकू है वहां पे क्लियर करूंगा फिर सक्सम इधर आ जा तू आ जा हां मैं आ जाऊंगा अभी मारो इसको पहले ठीक है हां अभी सक्सम उधर लाइन से दो इधर छोड़ इधर ये मेरा जो एनआरके है ना उधर ये छोड़ दे इधर और अभी रूम में इधर ही खड़ रहा है उधर से आने वाले बीच में से ये इधर एक बार विदर और इधर छोड़ेगा राउंड 2 सोरिया दोनों तरफ से डालेंगे अभी आ गया एंटी बैरियर इस पर स्टन करते हैं एंटी बैरियर हां अनस्टॉपेबल के लिए मैसेज पे जा रही हूं ठीक है मैं यहीं पे जा रहा हूं ये एंटी ये अनस्टॉपेबल मेरे पास नहीं है अनस्टॉपेबल किसके पास है अनस्टॉपेबल हां हो गया हां एक क्लियर करो फटाक अब मैं सी की तरफ जाता हूं डन अनस्टॉपेबल जिसके पास है बी की तरफ जा ठीक है बस की शील्ड उतारता हूँ ये सक्षम उधर ही खड़े नीचे देख आएगा वो कौन तो मार के पीछे से आ रहे हैं उसको मार मिनट डाल तो ठीक है चलो यार इसकी है ना वो शील्ड उतार दो कोई पॉसिबल हो तो क्यों उधर भी उसका चला अभी उधर ऊपर ही खड़े रहे कैरवाइट उधर ही खड़े रहे इधर ठीक है समझ गया मैं समझ गया रोड पर मैं भी आ जाऊं उधर इधर ही आ जाता हूं वो जंप नहीं करना है देख ले फाइनल राउंड अ माइटी कप मिसाइल आ रहा है संभल के इधर ये डाल देना हीलिंग जस्ट हां डाल वो भर ही नहीं है हीलिंग जस्ट पूरी फिर से मिसाइल दे रहा हूं ठीक है मेरी वेदर रॉड लगी नहीं उसको ओके डेड है वो बढ़िया एमो लेने दो मिला एक मिनट आगे बढ़ा है आगे बढ़ा है ठीक है चलने यू सर्वाइव्ड नीचे मिले जाएंगे रिट्रीट टू एयरलॉक एक एक करके जाएंगे एक साथ जाएंगे एक करके मतलब मर जाएगा ऑफिस ऊपर रिस्पॉन होना एक करके जाने सही ऑप्शन है नहीं वो बग क्लियर करना है एक ट्रेन का बग और इसका बग ये दो क्लियर करना है कि मर गया तो नीचे स्पॉन ले जाए योर ट्रेजर अरे तुझे पता नहीं वो ट्रेन के इधर जो मरे थे ना उसको कितना ट्राई किया मतलब विशन के ऊपर मर
अच्छा तो वापिस रिटर्न आए, और रिटर्न आके जंप करते हैं तो ऊपर तक पहुंचता नहीं, तो आइडिया क्या लगाया दूसरे उसको बोला ऑक्स की स्पैरो निकाल, स्पैरो से थोड़ा हाइट मिलता ना, हाँ उसके सर पे कूद चढ़ के फिर जंप करके देखा तो भी नहीं पहुंच रहा। क्या लेडीज फर्स्ट, जा शेरपा फर्स्ट, वो चलो, करके दिखाएगा। चलो मैं जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे शेरपा है ऐसे। अंकल बोल के लेडीज, हाँ ये क्या तरीके है भाई। लेडीज अंकल है क्या? क्या आपने बोला, मैंने नहीं, ठीक है। अरे तो लेडीज वाला कर मतलब बिल्कुल ही अलग कदे इधर। ओवरलोड अंकल ये रहे, उससे टच हो गया, वो बाउंस हुआ। ओवरलोड मार रहा ना, ओवरलोड पे देते हैं। ओवरलोड पे पहले मारना है? नहीं ओवरलोड को मारना पहले, क्या कह रहे हो? नहीं मारना पहले, मार दिया पड़ा उसको उधर, और डेड है ये बस। अब ठीक है, एंटी बैरियर अपनी जगह रहते हैं, ओवरलोड एंड ये यही बात है। दौड़ा दौड़ा के मारते रे। चलो भाई नीचे, राइट वाला लेफ्ट वाला, राइट राइट वाला। ये तो सब एक दूसरे को कल तक मारते रहेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे की शील्ड उतार ही नहीं पाते होंगे। हाँ शील्ड उठाता है अभी, उसको खत्म करो। डन 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 डन, ओल्ड फ्रेंड एंड ओल्ड फ्रेंड इज हियर। बेल्ट करो रे, हो गया हो गया। स्ट्रेटजी इस बार एकदम फ्लॉलेस। हां मेरा मेरा पूरा फ्लॉलेस हुआ, मेरा पूरा फ्लॉलेस हुआ। ये जो पीछे घूम रहा है ना सन, क्या बात, बहुत जल्दी कर लिया हमने 20 मिनट्स में। देखो यार किसका कितना काउंट हुआ, रिवाइज करना ना भूले, ठीक है। थैंक्स, और